आज शाम में जैसे ही एमआईएम चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक हैं, इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर ये घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि दो व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है तथा उसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था। लेकिन सबसे संतोष की बात यह है कि पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि वो उस घटना में शामिल है और इसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। घटना की वजह क्या निकल के आई अभी तक? अभी मौके पे हमारे वहां के मेरठ के आईजी मौजूद हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जब तक सभी चीजें पूछताछ के बाद तस्दीक नहीं हो जाती कारणों का बताया जाना अभी संभव नहीं। एक मिनट, क्योंकि पहले जो सूचना मिली है जो 60 लोगों को हमने संदेश दिया हुआ है, एक व्यक्ति सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित हुआ है।